प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज्यादा चक्कर आना, मितली होना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाना, पेशाब के साथ ब्लीडिंग होना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, पेट के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने से आपके साथ साथ आपके घर में पल रहे बच्चे को भी बुरा असर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान लगभग 90% महिलाओं को उनके शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन क्यों आ जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? और क्या प्रेगनेंसी के दौरान आ रही सूजन से घर में पल रहे बच्चे पर कोई असर होता है? इसके साथ साथ आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके शरीर के अंगों में सूजन आ रही है तो इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो महीने है ना, अब तक आते आते आपके गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, आपका वजन भी काफी बढ़ जाता है, जिससे आपको आपकी पीठ में, आपकी कमर में, आपके पैरों में, जांघों में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ आपको और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बार बार लेबर पेन आने की वजह से पेट कड़क हो जाना, पेट और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अच्छे से नींद न आना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, सिर में दर्द होना, बार बार टॉयलेट आना, टॉयलेट के साथ साथ कई बार ब्लीडिंग होना और लगभग 30 से 60 सेकंड का लेबर पेन आना, ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बदलाव आना नॉर्मल है, इनसे आपके और आपके घर में पल रहे बच्चे पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर नहीं होता है। इसीलिए इन लक्षणों को, इन बदलावों को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनसे किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में आ रहे छोटे बड़े बदलावों को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, परेशान रहती हैं, तो इससे आपके घर में पल रहे बच्चे पर भी बुरा असर हो सकता है और कई बार बहुत ज्यादा तनाव लेने की वजह से आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। वैसे तो 8वें 9वें महीने के दौरान अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो कई केसेज में तो बच्चा नॉर्मल रहता है, लेकिन कई केसेज में बच्चे की जान भी चली जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, 8वें महीने के दौरान आपके बच्चे का जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और अगर बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके अंदर फेफड़े नहीं है तो वो सांस कैसे लेगा। इसीलिए ऐसे बच्चों को या तो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है या फिर ऐसे बच्चे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि 8वें और 9वें महीने के दौरान किसी भी छोटी बड़ी बात को लेकर आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना है। आपको ख्याल रखना है कि घर में पल रहा जो बच्चा है उसकी केयर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस दौरान आपको अपने खाने पीने, उठने बैठने, सोने, सारी चीजों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना है। आपको बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, ज्यादा देर तक आपको एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना है और जमीन पर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि जमीन पर बैठने से आपके यूट्रस पर दबाव पड़ता है, आपके बच्चे पर दबाव पड़ता है, जिससे आपके बच्चे को दिक्कत होने लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप बैठे तो बेड पर बैठे या चेयर पर बैठे तो अपनी पीठ के पीछे आप सॉफ्ट वाले जो पिलो है उनको लगा लें, और जब भी आप बेड पर लेटती हैं तो आपके पैरों में सूजन ना आए इसके लिए आपको आपके पैरों के नीचे 2-3 एक्स्ट्रा तकिए लगा कर ही सोना है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि इस दौरान आपके शरीर के कौन कौन से अंगों में सूजन आ जाती है जो कि आपके लिए काफी दिक्कतें बढ़ा देती है, और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। नंबर एक, प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीना आते आते लगभग 90% महिलाओं को उनके पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस समय उनका जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और ऊपर के हिस्से का जो वजन है वो पूरा आपके पैरों पर आ जाता है। आपके पैर की जो लिगामेंट्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान लूज हो जाते हैं, जिससे वो वजन को होल्ड नहीं कर पाते हैं और आपके पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे आपको चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान पैरों में सूजन आ रही है तो आप कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पानी करके उसमें 2-3 चम्मच नमक डालकर अपने पैरों को डालकर कुछ समय के लिए बैठे रहें, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान अगर आप गुनगुने पानी में नमक डालकर उसमें 10 से 20 मिनट के लिए बैठी रहती हैं तो एक तो इससे आपके पैरों की सूजन चली जाएगी, पैरों में दर्द नहीं होगा और आपके दिन भर की जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी। इसीलिए पैरों में सूजन आने पर इस एक काम को आप जरूर करें। दूसरा,
प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव होने की वजह से आपके होठों पर सूजन आ सकती है, जिससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्रेस्ट में आपके बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क बनने की वजह से आपके जो ब्रेस्ट है वो पहले की अपेक्षा भारी हो सकती है, सूजन आ सकती है, साइज बढ़ सकता है और आपकी ब्रेस्ट पहले की अपेक्षा अभी भारी हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान आप थोड़ी बड़े साइज वाली ब्रा ही पहने। चौथा, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से आपकी नाक में बदलाव आ सकता है, यानी कि आपकी नाक पहले की अपेक्षा भी मोटी हो सकती है, सूजन आ सकती है। इसके साथ ही नाक मोटी होने को लेकर पुराने जमाने से ही एक मिथ फैला हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं की नाक मोटी हो जाती है तो उनको घर में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी कई सारे मिथ हैं जो आज भी हमारे समाज में फैले हुए हैं और कई सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में ये सही साबित भी हो जाते हैं। पांचवा, प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से और आपका वजन बढ़ने की वजह से आपके ऊपर का जो हिस्सा है वो भारी हो जाता है, जिसका पूरा जो दबाव है वो आपके पैरों पर, पैर की पिंडलियों पर आ जाता है, जिससे आपके पैरों में सूजन आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। छठवा, प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान कई सारी महिलाओं के चेहरे पर सूजन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पर सूजन को आकर भी हमारे समाज में पुराने जमाने से एक मिथ फैला हुआ है जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पर अचानक से सूजन आ जाती है और कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाती है, फिर से आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सातवां, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं के मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। और आठवां, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट में सूजन जैसी महसूस होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ अंग हैं जिनमें आपको प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान सूजन महसूस हो सकती है। अगर आपको अपने शरीर में ऐसा कोई बदलाव महसूस हो रहा है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपके साथ ये सारे बदलाव तो होंगे ही। लेकिन अगर आपके इन 8 अंगों में लगातार सूजन आ रही है जो कि ठीक नहीं हो रही है और इनसे आपको समस्या बढ़ रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आने वाले हर एक बदलाव के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें। धन्यवाद।